भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गगनयान प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2020 में पहली और जुलाई 2021 में दूसरी मानव रहित स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजने वाला है। दोस्तों, इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने शनिवार को बताया कि इसके बाद तीसरी फ्लाइट दिसंबर 2021 में इंसान को लेकर अंतरिक्ष में रवाना होगी। यह स्पेस में भारत का पहला मानव मिशन होगा जिसे स्वदेशी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने कहा कि गगनयान भारत के लिए बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है क्योंकि यह मिशन देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाएगा। इससे विज्ञान के क्षेत्र में देश की और ताकत बढ़ेगी। इससे पहले सिवन ने चंद्रयान 2 की जानकारी देते हुए कहा था कि हमारी अगली प्राथमिकता, हमारी अगला मिशन गगनयान मिशन होगा। दोस्तों वायुसेना ने चुने हुए टेस्ट पायलटों का फिजिकल एक्सरसाइज टेस्ट प्लस लैब इंस्टॉलेशन, रेडियोलॉजिकल टेस्ट एवं क्लिनिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल स्तर पर मूल्यांकन किया गया है। दोस्तों, जिन पायलटों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उनको 7 दिन पूरे अंतरिक्ष में गुजारने होंगे। दोस्तों, इस यान को GSLV मार्क 3 से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों, प्रशिक्षण के लिए जो सारे पायलट होंगे उनको रूस भेजा जाएगा ताकि वो वहां से जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, यानी कि उनको प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा जाएगा। इनके ऊपर पूरा सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी कि दोस्तों इसके अंदर 10,000 करोड़ का बजट पास हुआ है इस यान के लिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल के लिए नए मेहमान हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।